अजमेर रेलवे स्टेशन पर देर रात रामेश्वरम ट्रेन के पार्सल यार्ड में साधु के वेश में बुजुर्ग की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश मिलने की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू मारकर हत्या की गई है। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है, जिसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। वही शव को जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना की जानकारी देते हुए जीआरपी थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि गुरुवार रात 11:30 बजे के करीब रामेश्वरम ट्रेन अजमेर पहुंची थी। रेलवे के द्वारा सूचना दी गई कि ट्रेन के पार्सल यार्ड में खून से लथपथ एक बुजुर्ग की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया और थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। लाश की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र प्रताप भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शव के आसपास तलाशी ली गई तो उसके पास से एक आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान हरियाणा जिले के हांसी हिसार निवासी रामदिया से हुई है। घटनास्थल को देखते हुए मौके पर स्पेशल टीम को बुलाया गया। टीम के द्वारा मौके से सबूत जुटाए गए हैं। बॉडी को देर रात जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी गई। मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मृतक बुजुर्ग के कान के नीचे चाकू से हमला किया गया है। कान के पास चाकू के चोट के निशान भी है। मौके से टूटा हुआ चाकू और छोटा डंडा बरामद हुआ है। साथ ही बुजुर्ग मृतक का कुछ सामान मिला है, जिसे जब्त कर जांच की जा रही है। जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त होने के बाद उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई है। संभवतः शाम तक परिजन अजमेर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। मृतक क्या करता है और कहां जा रहा है, इसे लेकर भी परिजनों से पूछताछ की जाएगी। जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद सभी स्टेशन के सीसीटीवी चेक किए गए हैं। भीलवाड़ा स्टेशन पर सीसीटीवी में मृतक बुजुर्ग और उसके दो साथी ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्सल यार्ड में किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ, जिसके बाद चाकू से बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। संभवतः बदमाश नसीराबाद के बाद बीच में ट्रेन रुकने पर वहां से फरार हुए हैं। वारदात में और कितने लोग शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। जी सर, क्या मामला हुआ है? दिनांक 23/2/2023 को रात्रि 11:41 पर रेलवे के लोडर शैलेंद्र सिंह ने उपस्थित थाना होकर बताया कि ट्रेन 20/974 रामेश्वरम अजरे में अजमेर जो आई है, उसके पार्सल यान में एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर डीओ तुरंत मौके पर पहुंचा। मेरे को सूचना दी, मैं तुरंत मौके पर पहुंच करके घटनास्थल जाकर के बारीकी से निरीक्षण किया तो प्रथम दृष्टया उसका हत्या करना पाया गया। मैंने तुरंत एफएसएल टीम को वहीं पर बुलाया। सीओ साहब भी मौके पर ही उपस्थित आ गए। सीआई साहब जो छुट्टी पर चले थे वो भी मौके पर आ गए और आके फिर उनको पूरा घटनास्थल का जो निरीक्षण बारीकी से करवाया गया। एफएसएल टीम से पूरे साक्ष्य जुटाए गए और जो मृतक था उसके जब वहाँ पर हमने तलाशी ली सामान की तो एक उसका आधार कार्ड मिला, जिसमें उसका नाम था रामदिया, पुत्र रिसाल सिंह, उम्र 73 साल, जाति जोगी, निवासी वार्ड नंबर 1 मोठ मार्ग नारनौद, जिला हांसी हिसार हरियाणा का रहने वाला है। तत्पश्चात घटनास्थल का बारीक से निरीक्षण करवाने के बाद में एफएसएल टीम से साक्ष्य जुटाने के पश्चात में और डेड बॉडी को रात्रि में जेएलएन के चीर घर में परिजनों की तलाश के लिए पहचान के लिए उनको डेड बॉडी को रखवाई गई। तत्पश्चात हमने टीमें रवाना करी है, जो रेलवे स्टेशन नसीराबाद की तरफ भी गई है टीम और जयपुर साइड में भी गई है। तलाश जारी है, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा करके तलाश की जा रही है। Thank you.
अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, CLAT, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरणमगरी सेक्टर 3, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233 22 33 22।